गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. गुड. चलिए लास्ट चैप्टर मतलब पिछला चैप्टर हमने खत्म कर लिया था. चैप्टर बल्कि मैं उसे गलत कह रहा हूँ, वो बेसिक कॉन्सेप्ट थे. ठीक है, इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए जो जो चीज़ें जरूरी थी, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन, असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन, पर्सन की डेफिनेशन, टैक्स रेट किस पर्सन की कैटेगरी पर क्या टैक्स रेट अप्लीकेबल होते हैं, वो हम लोगों ने स्टडी कर लिया था. ठीक है, आज से हम चैप्टर शुरू करते हैं. वास्तव में जो चैप्टर है वो ये है, रेजिडेंस स्टेटस. यहाँ से इनकम टैक्स की शुरुआत होनी है आपकी. वो सब चीज़ें जो हमने पिछले 7-8 क्लासेज में करी हैं, वो इनकम टैक्स को आगे फर्दर प्रोसीड करने से पहले की एक सामग्री थी कि जो आपको पता होना चाहिए, कुछ डेफिनेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए. फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि जो मेन मेन डेफिनेशन थी, तो मेन मेन डेफिनेशन थी हमारी, एक हमने पढ़ा था प्रीवियस ईयर. तो प्रीवियस ईयर कौन सा है आप जल्दी से बताएंगे, प्रीवियस ईयर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है बच्चों, इसी का आप बताओ. 2021 इज द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कि जो हमारे पेपर के लिए काम करेगा वो 2021 करेगा. मीनाक्षी आप बताइए 2021 का मतलब क्या है, कौन सी डेट से स्टार्ट होता है 2021? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक. ठीक है, सत्यम आप बताओगे कि असेसमेंट ईयर कौन सा, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा है हमारा, 2021 से लेकर 2022, यानी कि 1 अप्रैल 2021 जो आने वाला है से लेकर 31 मार्च 2022 तक हमारा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है. इसके अलावा हमने पर्सन की कैटेगरी भी पढ़ी थी. ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स जो है पर्सन के ऊपर लगता है, यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी एंटिटी पर्सन की कैटेगरी में फॉल नहीं करती है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लग सकता. तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लॉ मेकर्स ने जो पर्सन की डेफिनेशन दी है, मैंने आपको बताया था कि जो डेफिनेशन होती हैं, जो परिभाषाएं होती हैं, वो तीन तरह की होती हैं, जिसमें दो तरह की के मैंने आपको क्लियर कर दिया था अभी कि या तो मींस करके होगी या इंक्लूड करके होगी. तो सत्यम आप बताओ कि जो पर्सन की जो डेफिनेशन है वो मींस है या इंक्लूड्स है? वो इंक्लूड्स है. इंक्लूड्स की जो डेफिनेशन होती है उसका जो पर्पज होता है वो ये होता है कि हम केवल जो आपको परिभाषा में बता रहे हैं वो उदाहरण मात्र हैं, वो केवल एग्जाम्पल मात्र हैं. यानी कि अगर गलती से कोई इन उदाहरण में नहीं भी फंसा है तो भी वो पर्सन माना जा सकता है. लेकिन अगर किसी भी परिभाषा में, किसी भी डेफिनेशन में मींस वर्ड का यूज होता है, अगर लॉ मेकर्स मींस वर्ड का यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि लॉ मेकर्स ने केवल उदाहरण नहीं दिया है, पूरी की पूरी जो परिभाषा है वो मीन डेफिनेशन में समाहित होती है. यानी कि वो ना तो उस डेफिनेशन को आप बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो. इनकम टैक्स में अगर कोई मींस डेफिनेशन है तो उसका मतलब उतना ही लेना है जितना कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है. आप मेरे से ये लड़ाई नहीं कर सकते कि सर हमने डिक्शनरी में इस वर्ड का मतलब तो ये देखा है, सर अभी तक हम ये पढ़ते हुए आए हैं. आपको कुछ नहीं देखना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो सब्जेक्ट में पढ़ा, जो लॉ में पढ़ा रहा हूं, तो उस लॉ को पढ़ते वक्त अगर मींस डेफिनेशन है तो उतना ही मतलब लेना है जितना कि उस डेफिनेशन में आपको बताया गया है. क्लियर है? जैसे प्रीवियस ईयर की जो डेफिनेशन है वो कौन क्या है, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन मींस करके है या इंक्लूड करके? वो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन मींस करके है. इसका मतलब है कि आप अकाउंटिंग में क्या ईयर यूज करते हैं अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए, या कंपनी एक्ट में क्या यूज करते हैं, या पार्टनरशिप में क्या यूज करते हैं, मुझे मतलब नहीं है. लेकिन इनकम टैक्स में जो आपको प्रीवियस ईयर का मतलब है वो यही लेना है जो मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन में. ऐसी असेसमेंट ईयर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, मींस है या इंक्लूड है? वो भी डेफिनेशन क्या है, मींस है. क्लियर? चलिए अब जो पहला चैप्टर, जिसे मैं चैप्टर बोलूंगा रेजिडेंस स्टेटस, इसकी शुरुआत करते हैं. तो आप सब लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप में से एक बच्चा ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि
सर व्हाट इज द नीड टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस, क्वेश्चन तो आएगा। हर चैप्टर को हम विद लॉजिक पढ़ेंगे, हर चीज का हम कोई भी मैं चीज बता रहा हूं आपको, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो आपके मन में प्रश्न उठना मतलब नॉर्मल है कि हम ये चीज क्यों करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सर व्हाट इज द नीड टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस, पिंकी पूछ रही है कि क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करना, और सर ये रेजिडेंशियल स्टेटस होता क्या है, तो वो तो हम पढ़ेंगे ही इस चैप्टर के अंदर, जब चैप्टर की हेडिंग भी है। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं बच्चों कि जो हमारी टोटल इनकम है, जो हमने पिछली क्लास में टैक्स रेट सीखे कि 2.5 लाख रुपए के जो इनकम होती है वो एग्जेम्प्टेड होती है नॉर्मल लोगों के लिए, वेरी सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख रुपए की इनकम एग्जेम्प्टेड होती है, और जो सीनियर सिटीजन होता है वो 3 लाख रुपए इनकम एग्जेम्प्टेड होती है, या पूरी इनकम टैक्स में भी और भी वेरियस रूल्स हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो टोटल इनकम किसी भी एसएससी की तब तक नहीं कैलकुलेट हो सकती जब तक कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस ना पता लगा लिया जाए। आप पूछ रहे हैं मेरे से कि व्हाट इज द नीड टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस, तो मेरा जवाब है कि टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी कैन नॉट बी कंप्यूटेड अनलेस वी नो हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर लगा लीजिएगा इसमें, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो आप नोट्स हैं आपके पास उनमें ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जोड़ लीजिएगा। अब बात यह आती है कि टोटल इनकम तो जो एसएससी की है वो कैलकुलेट नहीं हो सकती है जब तक कि हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस ना पता लगा लें। अब आप क्वेश्चन करेंगे सर कि रेजिडेंशियल स्टेटस कितने प्रकार का होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस कितने प्रकार का होता है। मेरे साथ आप लिखेंगे नोट्स, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि नोट्स भी आपको प्रिंटेड मिलेंगे, लेकिन साथ के साथ इसलिए भी लिखेंगे आप जिससे आपको याद होता चला जाए, ठीक है ना। जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स काम के हैं 80-90% में आपका रजिस्टर मेंटेन करवा दूंगा, ठीक है ना। जो थ्योरी बड़ी होगी वो जरूर मैं नोट से पढ़वाऊंगा आपको सीधे के सीधे, अदरवाइज जो थ्योरी छोटी छोटी हैं 80-90% जो थ्योरी हैं वो छोटी छोटी हैं, तो सारा रजिस्टर आप मेंटेन करोगे जिससे आपको साथ के साथ याद हो जाए, और साथ के साथ हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो फटाफट अपना जो कॉन्सेप्ट रजिस्टर है वो निकालिएगा और मेरे साथ लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन चैप्टर का नाम डाल दीजिएगा रेजिडेंशियल स्टेटस, चैप्टर का नाम डाल दीजिएगा रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, व्हाट इज द नीड टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस। व्हाट इज द नीड टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस, आंसर है टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी जानते हैं आप लोग, एसएससी की डेफिनेशन भी जो आपको पिछली क्लास में नोट्स दिए हैं उसमें है, लेकिन मैंने उसे डिस्कस नहीं किया जानबूझ के, वो कभी बाद में डिस्कस कर लूंगा, डेफिनेशन बाद में डिस्कस कर लूंगा, लेकिन आपको बातें समझ में आए इस वजह से एसएससी का मैं मतलब बता रहा हूं। एसएससी का मतलब है करदाता, यानी कि जो टैक्स जिसके ऊपर लगेगा, जैसे मैं टैक्स देता हूं तो मैं भी एक एसएससी हूं,
आपके फादर मदर टैक्स देते हैं अगर उनकी इनकम है तो वो भी एक एसएससी है। अभी आप एसएससी नहीं हो इनकम टैक्स की नजर में क्योंकि आपकी कोई टोटल इनकम नहीं है और आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं बैठता है। मोटे मोटे तौर से ये मतलब है, लेकिन जो उसकी बारीकी पॉइंट है, जो बिल्कुल परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। तो पता होना चाहिए टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी, यानी कि कोई भी जो करदाता है, टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी कैन नॉट बी कंप्यूटेड अनलेस वी नो टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी कैन नॉट बी कंप्यूटेड अनलेस वी नो हिज ऑब्लिक हर रेजिडेंशियल स्टेटस। ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज आप लोगों ने सुना होगा सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसे हम लोग सिटीजन, कुछ लोग सिटीजन नहीं होते हैं, तो सिटीजनशिप एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और रेजिडेंशियल एक अलग कॉन्सेप्ट है। रेजिडेंशियल सिटीजनशिप का, हम सिटीजन है, बाहर के लोग जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं वो सिटीजन नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट के नियम कुछ और होंगे और हमारे लिए गवर्नमेंट के नियम कुछ और हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा एनआरसी वगैरह का जो रजिस्टर तैयार होने वाला है, जिसके ऊपर काफ़ी लोगों को परेशानी भी थी और काफ़ी दंगे और आंदोलन भी हुए, तो वो बेसिकली क्या है, वो यही पहचानने के लिए तो है कि भारत का सिटीजन कौन है और भारत का सिटीजन कोई कौन नहीं है। नियम अलग अलग होंगे, अदरवाइज अगर नियम सबके लिए एक जैसे होते तो चाहे हम भारत के सिटीजन हैं या नहीं है, तो जो नहीं है उन्हें भी क्या परेशानी होनी है। यानी कि जो लोग नहीं है सिटीजन किसी वजह से, और वो अभी तक सिटीजनशिप के जो फायदे होते हैं वो उठा रहे हैं, तो गवर्नमेंट उन्हीं को तो अलग करना चाहती है, गवर्नमेंट उन्हीं को तो आइडेंटिफाई करना चाहती है कि जो भारत के निवासी नहीं है, जो भारत के सिटीजन नहीं है, नागरिक नहीं है कानूनन, ठीक है ना। नागरिक होने का मतलब ये नहीं होता कि हम यहाँ रह रहे हैं तो नागरिक हैं, कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होती हैं, तो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड आप नहीं कर रहे हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है, तो उन सुविधाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए उन्हें जो कि भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो सिटीजनशिप एक अलग कॉन्सेप्ट है और रेजिडेंशियलशिप एक अलग कॉन्सेप्ट है। रेजिडेंशियलशिप इनकम टैक्स के लिए ही काम का करता है, ये इनकम टैक्स में कौन रेजिडेंट है कौन रेजिडेंट नहीं है। तो यहां पर भी सेम लाइन पर आप ये समझिए, जो लोग रेजिडेंट होंगे उन्हें कुछ फायदे मिलेंगे, और जो लोग रेजिडेंट नहीं होंगे इनकम टैक्स की नजर में, उन्हें उन फायदों से वंचित किया जाएगा जो लोग नॉन रेजिडेंट होंगे, ठीक है। नियम अलग अलग हैं, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रेजिडेंट बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशन का सेटिस्फाइड होना जरूरी होता है और कौन कौन सी वो कंडीशन है। अगर हम सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तो हमें क्या दर्जा मिलेगा, हमें मिलेगा नॉन रेजिडेंट का दर्जा। समझ में आ गई बात आपके? तो क्वेश्चन आपके मन में है कि व्हाट इज द नीड टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस, टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी कैन नॉट बी कंप्यूटेड अनलेस वी नो हिज और हर रेजिडेंशियल स्टेटस। अब बात ये आती है सर कि कितने तरह के रेजिडेंट होते हैं, कोई भी जो पर्सन है वो कितने तरह का रेजिडेंट हो सकता है। तो पर्सन को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है जी, पर्सन को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, या तो वो होगा रेजिडेंट या वो होगा नॉन रेजिडेंट, या तो वो होगा रेजिडेंट या वो होगा नॉन रेजिडेंट। कोई भी पर्सन दो पार्ट में डिवाइडेड है, या तो वो होगा रेजिडेंट या वो होगा नॉन रेजिडेंट। साथ के साथ आप कॉपी करते चले जाएंगे। कोई भी पर्सन कौन कौन है, इसकी जो डेफिनेशन है वो कौन से सेक्शन में गिवन है, जल्दी से सोच के बताइए। सेक्शन 231, ये डेफिनेशन है पर्सन की। पर्सन कौन कौन होता है जल्दी से सोच के बताइए। इंडिविजुअल एक पर्सन होता है, और कौन होता है पर्सन, पार्टनर फर्म कह देते हैं, फर्म इंक्लूडिंग LLP एक पर्सन होता है, और कौन होता है पर्सन, कंपनी एक पर्सन होती है, और बताइए
लोकल अथॉरिटी एक पर्सन होती है और कौन होता है पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एक पर्सन होता है, और बताइए आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग एनी अबव कैटेगरी, इनमें कौन कौन लोग आते हैं आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग एनी अबव कैटेगरी में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जैसे बाबा रामदेव का चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कहने के लिए हैं बस वो कि चैरिटेबल है लेकिन पैसा तो काफ़ी कमाते हैं, ऐसी मंदिर हैं मस्जिद हैं जो भी आपके धार्मिक संस्थान हैं, तो सारे सारे किस कहाँ पे फॉल करते हैं, ये फॉल करते हैं आपके एनी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग एनी अबव कैटेगरी के अंदर ये चीज़ें फॉल करती हैं। चलिए पर्सन दो तरह के होते हैं, या तो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे, ठीक है ना। अब पर्सन की टोटल कितनी कैटेगरी थी, सात कैटेगरी थी। सात कैटेगरी में से एक कैटेगरी थी इंडिविजुअल और एक कैटेगरी थी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बाकी पांच अलग हैं। समझ में आ रही बात आपके, क्या मैं कहना चाह रहा हूं, पर्सन दो पार्टों में डिवाइडेड है, या तो वो सिंपली रेजिडेंट होगा या वो सिंपली नॉन रेजिडेंट होगा, या तो सिंपली रेजिडेंट होगा या वो क्या होगा नॉन रेजिडेंट होगा। अगर हम बात करते हैं इन सात कैटेगरी के पर्सन की, तो इनमें से दो कैटेगरी इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इन दो कैटेगरी का अगर ये रेजिडेंट हैं तो फर्दर पोस्टमार्टम किया जाता है। हाँ, पोस्टमार्टम एक सांकेतिक भाषा है, ऐसा नहीं है कि जैसे ह्यूमन बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है, पोस्टमार्टम एक सांकेतिक भाषा है, इसका मतलब ये होता है कि और डिटेल निकाली जाती है, यानी कि किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाए हमें पता है कि मर गया, अब पोस्टमार्टम क्यों करता है भाई, अरे जो हमें दिख रहा है हो सकता है कि कुछ और उसमें छुपी हुई बातें हों, तो वो पोस्टमार्टम से पता लगता है। तो इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो वो खाली यहीं पर चुप नहीं बैठेगा, पहले तो हम ये देखेंगे कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, लेकिन अगर वो रेजिडेंट है इंडिविजुअल और एचयूएफ तो फर्दर पोस्टमार्टम किया जाएगा, इसके भी दो फाड़ कर दिए जाएंगे, दो भाग कर दिए जाएंगे रेजिडेंट के भी, लेकिन किसके लिए बस इंडिविजुअल और एचयूएफ। कभी आपसे अगर कोई पूछता है क्वेश्चन कि कंपनी के दो भाग किए जाएंगे क्या रेजिडेंट के केस में, किए जाएंगे क्या, नहीं किए जाएंगे, या तो उस कंपनी सिंपली रेजिडेंट होगी या सिंपली क्या होगी नॉन रेजिडेंट होगी। अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्म के दो पार्ट किए जाएंगे क्या, नहीं किए जाएंगे, या तो वो सिंपली रेजिडेंट होगी या वो सिंपली क्या होगी नॉन रेजिडेंट होगी। अगर आपसे कोई पूछता है लोकल अथॉरिटी के दो भाग किए जाएंगे क्या, नहीं किए जाएंगे, या तो सिंपली रेजिडेंट होगी या वो सिंपली नॉन रेजिडेंट होगी। अगर आपसे कोई पूछता है आर्टिफिशियल, अगर आपसे कोई पूछता है वो कौन सी कैटेगरी रह गई, फर्म हो गई, LLP हो गई, AOP BYU हो गई, तो आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन रह गया, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन के दो पार्ट किए जाएंगे क्या, नहीं किए जाएंगे, या तो वो सिंपली रेजिडेंट होगी या वो सिंपली नॉन रेजिडेंट ही होगी। क्लियर है बात ये। लेकिन अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ का केस है, अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ का केस है, अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ का केस है, हाउएवर जरा कोई भी पर्सन है वो तो दो पार्ट हो गए, हाउएवर इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, हाउएवर इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, हाउएवर इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इसके हम अगर ये रेजिडेंट हैं और नॉन रेजिडेंट, अगर रेजिडेंट हैं तो इसके फर्दर दो पार्ट और किए जाएंगे, या तो होगा ऑर्डिनरली रेजिडेंट
या होगा नॉट ऑर्डिनरी, रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। लेकिन ये किसके पार्ट होंगे जी? ये पार्ट होंगे अगर आप रेजिडेंट हैं। रेजिडेंट कैसे पता लगाया जाएगा? ये मैं नियम बताऊंगा, कुछ कंडीशन बताऊंगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो रेजिडेंट हैं, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती हैं तो आप माने जाएंगे नॉन रेजिडेंट। लेकिन अगर रेजिडेंट निकल के आते हैं तो यहीं तक चुप नहीं बैठना है, बल्कि क्या करना है, आगे फर्दर पोस्टमार्टम करना है, जांच पड़ताल आगे करनी है कि इंडिविजुअल विच ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि कोई भी पर्सन जो है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस दो प्रकार का होता है, या तो वो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। कोई भी पर्सन, पर्सन में कौन कौन लोग आते हैं? सेक्शन 2 क्लोज 31 में हमने पढ़ा है, इंडिविजुअल एक कैटेगरी है पर्सन की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक कैटेगरी है पर्सन की, LLP पार्टनरशिप एक फर्म एक कैटेगरी है पर्सन की, कंपनी एक कैटेगरी है, EOP BY एक कैटेगरी है, लोकल अथॉरिटी एक कैटेगरी है, और आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन एक कैटेगरी है पर्सन की परिभाषा के अंदर, पर्सन की डेफिनेशन के अंदर। और ये जो 7 लोग हैं या तो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल HUF का केस है तो सिंपली रेजिडेंट नहीं होगा, बल्कि रेजिडेंट अगर होगा तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में ये आता है। जो चैप्टर है ये 4 सेक्शन में सिमटा हुआ है। सेक्शन भी मैं साथ के साथ याद कराने की कोशिश करूंगा, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है याद होने चाहिए। लेकिन अगर आप पूछते हैं कि सर सेक्शनों के नंबर हैं या नहीं है, तो मेरा जवाब मिलेगा कि सेक्शन के डायरेक्टली तो कोई फायदा नहीं है नंबरों में। पूरे 100 नंबर के पेपर में 4-5 नंबर की बात तो अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 25-30 नंबर सेक्शनों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। लेकिन इनडायरेक्टली बहुत फायदा है, और बहुत सारी चीज़ें अगर इनडायरेक्टली फायदा है तो वो डायरेक्ट से भी ज़्यादा काम करती हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको सेक्शन याद रहते हैं तो आपकी जो सोचने समझने की स्थिति है वो उन स्टूडेंट से बेहतर मानी जाती है और होती है जिन बच्चों को सेक्शन याद नहीं है। क्योंकि जैसे मैं बोलूँगा सेक्शन 9 में आपने पढ़ा था, अब किसी को याद ही नहीं है, तो अब सेक्शन 9 तो कैसे वो पता लगाएगा कि सेक्शन 9 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्योंकि जब सेक्शन इकट्ठे होते चले जाएंगे, आगे की पढ़ाई होती चली जाएगी, तो पूरा पूरा लिंक है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो माना कोई चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे समझाने के लिए पुराने सेक्शन यूज़ करने, तो मैं ये तो बोलूँगा सेक्शन 5 में तो कोई पढ़ा था, तो एकदम सेक्शन 5 आते ही आपके दिमाग में एकदम चीज़ आ जानी चाहिए। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो है ये, अगर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन के लिहाज से सेक्शन 5 इसके अंदर है, 6 इसके अंदर है, 7 इसके अंदर है, 8 इसके अंदर है, और 9 इसके अंदर है। लेकिन एट प्रेजेंट इनकम टैक्स में जो सेक्शन 8 है वो है ही नहीं, ये भी बात है। इनकम टैक्स में एट प्रेजेंटली जो सेक्शन 8 है वो है ही नहीं, इसलिए मैं टोटल 4 सेक्शन की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो सेक्शन 5, 6, 7, 8, 9 है वो रेजिडेंशियल स्टेटस के सेक्शन है। लेकिन सेक्शन 8 में फिलहाल कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सेक्शन 5 में लिखा हुआ है, 6 में लिखा हुआ है, 7 में लिखा हुआ है, और सेक्शन 9 के अंदर ये चीज लिखी हुई है। अगर हम बात करें सेक्शन वाइज, ठीक है ना, क्योंकि हमें याद भी करना है, तो सेक्शन 5 में क्या लिखा हुआ है पहले ये देख लेते हैं। सेक्शन 5 में क्या लिखा हुआ है, इसी तरीके से सेक्शन 6 में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 7 में क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ तो बाद में लेंगे, 7 में क्या लिखा हुआ है, और सेक्शन 9 में क्या लिखा हुआ है। जो सेक्शन 5 में लिखा हुआ है वो ये है कि सेक्शन 5 में जो लिखा हुआ है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, अभी मैं इसका मतलब बताऊंगा, फिलहाल आप कॉपी कर लीजिए। सेक्शन 6 में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 6 मेन है हमारा, रूल्स लिखे हुए हैं टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस।
यानी कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कि कोई भी पर्सन रहे या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, इस बात के रूल कहां लिखे हुए हैं, इस बात के रूल कहां लिखे हुए हैं, सेक्शन सिक्स में, ठीक है ना, सेक्शन सिक्स में लिखे हुए हैं रूल्स, लिखे हुए हैं रूल्स टू डिटरमाइन, रूल्स टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस, रूल्स टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस। ये पूरा पूरा सेक्शन का एक चार्ट बनवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, हम डिटेल डिस्कशन शुरू करेंगे अभी इसका। सेक्शन फाइव है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इसका मुझे मतलब अभी बताना है। सेक्शन सिक्स में क्या है, रूल टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो हम ये निकालेंगे कि आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं, इस बात के नियम कैसे पता लगेगा कि कोई रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, तो ये नियमों को देख के तो पता लगेगा। तो इस बात के जो नियम है वो सारे सारे कहाँ लिखे हुए हैं, सेक्शन सिक्स के अंदर लिखे हुए हैं। सेक्शन सेवन में इनकम, ये भी अभी मतलब समझ में नहीं आएगा, फिलहाल लिख लीजिए बस, इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये मतलब अभी समझ में नहीं आएगा, फिलहाल लिख लीजिए बस। और ये जो नाइन है, इनकम डीम्ड टू टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, ये लिखा हुआ है। स्क्रीन पे सब लिखा हुआ आ रहा है, आप रजिस्टर में नोट करते चले जाइए। सेक्शन फाइव सिक्स सेवन और नाइन, एट बीच में है लेकिन फिलहाल उस सेक्शन में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो काम के जो हमारे सेक्शन हैं वो सेक्शन फाइव सिक्स सेवन और नाइन हैं। सेक्शन फाइव क्या है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इसका मतलब मैं बता देता हूँ, फिर इस स्टार्टिंग हम जो डिटेल्ड स्टार्टिंग है वो सेक्शन फाइव से ही करेंगे, फिर उसके बाद सेक्शन सिक्स पढ़ेंगे। तो सेक्शन फाइव क्या है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम की वो ये बताएगा, स्कोप का मतलब होता है दायरा, ठीक है ना। तो सेक्शन फाइव हमें ये बताएगा, अगर रेजिडेंट हैं आप, ये किससे पता लगेगा, किस सेक्शन से पता लगेगा कि आप रेजिडेंट हैं या नहीं है, ये किस सेक्शन से पता लगेगा, ये वाली बात तो पता लगेगी सेक्शन सिक्स से कि आप रेजिडेंट हैं या नहीं है, ये तो बताने की जिम्मेदारी सेक्शन सिक्स की है। लेकिन सेक्शन फाइव की जिम्मेदारी क्या है कि अगर सेक्शन सिक्स से पता लगता है कि आप रेजिडेंट हैं, तो कौन कौन सी इनकम आपके हाथ में हम टैक्स लगाएंगे, आप रेजिडेंट हैं या नहीं है ये सेक्शन सिक्स नहीं बताएगा, सॉरी ये तो सेक्शन सिक्स बताएगा कि आप रेजिडेंट हैं या नहीं है, ये सेक्शन फाइव नहीं बताएगा। लेकिन अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपके हाथ में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है, तो ये सेक्शन फाइव बताएगा। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, आप नॉन रेजिडेंट है कौन बताएगा, ये तो सेक्शन सिक्स बताएगा। लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो आपके हाथ में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल हैं, ये कौन बताएगा, ये सेक्शन फाइव बताएगा। तो समझ में आ गई बात, सेक्शन फाइव की जरूरत, कि सेक्शन फाइव का जो दायरा है, सेक्शन फाइव का जो काम है, हर सेक्शन का अपने आप में काम है, तो सेक्शन फाइव का जो काम है वो ये बताएगा कि हमारे हाथ में कौन कौन सी इनकम भैया टैक्सेबल होने वाली है, ये सेक्शन फाइव बताएगा। अब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे जरूर, पूछना भी चाहिए, जी सर इनकम कितने तरह की होती हैं इस पर्पज के लिए, टाइप्स ऑफ इनकम कितने तरह की होती हैं भैया इनकम हमें बता दीजिए सर, आज हम जब घर जाएं तो हमें पता होना चाहिए कितने तरह की इनकम होती है। और ये भी समझ लीजिए, जिस पर्पज के लिए जो मैं मतलब बताऊंगा वो उसी पर्पज के लिए रहेगा। कभी आप कोई और चैप्टर कर रहे हो, सर आपने तो टाइप्स ऑफ इनकम दो ही बताई थी उस समय, तो
हर पर्पज के लिए अलग अलग है। जैसे मैं पुराने जो 6-7 लेक्चर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में करे, अब मैंने आपको समझाया होगा कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि माइनर कौन है, तो माइनर भाई 28 साल का व्यक्ति भी है, ठीक है, 28 साल से नीचे का। और अगर शादी के लिए देखा जाए तो लड़कों के लिए माइनॉरिटी की जो एज है वो 21 साल से कम के लिए, और लड़कियों के लिए 28 साल से कम के लिए। अगर ट्रस्ट वगैरह का केस देखा जाए तो उसमें चाहे लड़का है चाहे लड़की, उसके लिए 21 साल की एज है। तो हर पर्पज के लिए जो डेफिनेशन है वो अलग अलग है। तो हम इस चैप्टर की अगर बात करते हैं तो जो इनकम निकल के आती है वो दो तरह की इनकम निकल के आती है, इंडियन इनकम, इंडियन इनकम। साथ के साथ उतारते भी रहिए और सुनते भी रहिए, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम, दो तरह की इनकम पाई जाती हैं, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। अब कोई भी चीज अगर इनकम टैक्स में या कोई सा भी लोग पढ़ते वक्त आपके सामने एक शब्द आता है तो एकदम आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए। आप ये मान के मत चलिएगा, मैं खाली इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे कंपनी एक्ट की बात करूं, कुछ भी कर रहा हूं, तो एक चीज मान के चलिएगा, उसकी एक डेफिनेशन होगी यहां पर, उसी डेफिनेशन के तहत हमें उस वर्ड को उस एक्ट के लिए समझना है। ऐसा नहीं हमें पता है इंडियन इनकम जो इंडिया में कमाते हैं हम, ऐसा नहीं है। इसकी एक डेफिनेशन है, एक परिभाषा है, तो मैं अब उसे लिखवाऊंगा। सर ये इंडियन इनकम क्या है? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, सर ये इंडियन इनकम है क्या, ये तो बता दीजिए। इंडियन इनकम क्या है, इंडियन इनकम कौन कौन सी होती है? तो लिखिएगा कि इंडियन इनकम कौन कौन सी होती है, इंडियन इनकम कौन कौन सी होती है। पहला, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया जो इनकम इंडिया में रिसीव हो गई वो इंडियन इनकम है। दूसरी चीज लिखिएगा, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। डीम्ड का मतलब समझते हैं जी, डीम्ड का मतलब ना बेटा ना, आप बताइए डीम्ड। आप मैंने कुछ बच्चे बीकॉम करे हुए भी हैं, कुछ बच्चे सीएसईटी करे हुए भी हैं, और कुछ बच्चे सीए फाउंडेशन करे हुए भी हैं, तो कहीं तो पढ़ा होगा डीम्ड आप लोगों ने। डीम्ड, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड का मतलब होता है माना गया। सही, माना गया क्या होता है, माना गया या एज्यूम्ड, इंग्लिश में बोलते हैं एज्यूम्ड। कोई चीज वास्तव में होती नहीं है डीम्ड का, क्योंकि बहुत बार यूज होगा डीम्ड, तो आपको सेंस क्लियर होना चाहिए। कोई चीज वास्तव में नहीं होगी, लेकिन लो मेकर्स के पास पावर है कोई चीज वास्तव में नहीं, लेकिन कह रहे हम तो ऐसा ही मानेंगे, नियम बना दिया, हम तो ऐसा ही मानेंगे, नियम लिख दिया उन्होंने। कोई चीज जो है उसे तो कोई नाट नहीं सकता, मना नहीं कर सकता। मैंने कोई इनकम रिसीव्ड इंडिया में हो रही है, हमें मिल गई, तो ठीक है मिल गई, तो हमें पता है कौन कौन सी इनकम मिल गई। लेकिन कौन कौन सी इनकम डीम्ड है मानेंगे हम, आपको मिली नहीं, हम तो ये मानेंगे जैसे आपको मिल गई। जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूं, आपको मुझे फीस देनी है, तो रिसीव्ड कब होगी, जब आप मुझे फीस दोगे। लेकिन मानी गई का मतलब क्या होता है, आपने फीस नहीं भी दी लेकिन तब भी हम तो मान लेंगे जी फीस मिल गई आपको। क्लास के बाद मिली है तो खोपचे में लेना पड़ेगा, डबल फीस लेनी पड़ेगी तेरे से। तो मैं उदाहरण दे रहा हूं केवल इस बात को समझाने के लिए
कि जो रिसीव्ड है वो तो पता लग जाएगी कब आप मुझे फीस दोगे, लेकिन गवर्नमेंट अगर ये नियम बना दे कि आपको मिली नहीं है, ये मान लो कि मिल गई है, तो जो चीज मानी जाएगी कि ऐसा हो गया है जबकि हुआ नहीं है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को स्पेसिफिक सिचुएशन बतानी पड़ेगी या नहीं बतानी पड़ेगी। तो जो मैंने सेक्शन लिखवाए थे ध्यान दीजिए पीछे, सेक्शन 7 इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इंडिया, यानी कि सेक्शन 7 में आपको एक लिस्ट होगी, उस लिस्ट में बताया जाएगा कि वो कौन कौन सी इनकम है जो रिसीव हुई नहीं, लेकिन मान ली जाएगी कि रिसीव हो गई। क्या इस बात की लिस्ट दी जा सकती है कि कौन कौन सी इनकम रिसीव हो गई, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, ये तो हजारों लाखों होंगी, ये कैसे लिस्ट दे दोगे? तो जो चीज एक्चुअल है तो उसे तो कोई नाट नहीं सकता, मना नहीं कर सकता, नाटने का मतलब है कोई विरोध में खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो है नहीं लेकिन हम मानेंगे। तो अगर कोई ऐसी चीज है कि जो एक्चुअल में है नहीं लेकिन मानी जाएगी, जो चीज एक्चुअल में है नहीं लेकिन मानी जाएगी, तो उसके लिए तो एक पर्टिकुलर लिस्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात आपके? उसके लिए एक पर्टिकुलर लिस्ट होनी चाहिए, तो वो सेक्शन 7 में गिवन होगी। क्लियर? तो इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इंडिया, थर्ड जो इंडियन इनकम है वो भी देखिएगा, लिखिएगा मेरे साथ साथ लिखिएगा, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इंडिया के बाद थर्ड पॉइंट लिखिएगा इंडियन इनकम है, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, और फोर्थ लिखेगा इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। और ये जो डीम्ड का वाली बात है ये सेक्शन 9 में गिवन होगी। आज हम क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना, और आगे की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होगी वो भी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। थैंक यू सर।